To motivate young children to come closer to God. अब चूंकि मैं खुद नौजवान हूँ तो मेरी पूरी ये मेरी कोशिश होती है कि मैं जो नौजवान है टीनेजर्स हैं उन बच्चों को मैं मोटिवेट कर सकूं कि वो खुदा के की तरफ आए. Because first of all, it's a great blessing for us, especially in Pakistan, that here we have a freedom to take God's name. अब यहाँ पर हम हमारे लिए पाकिस्तान में ये बड़ी बाबरकत बात है. हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें यहाँ पर इस मुल्क में आजादी दे रखी है कि हम उसके नाम को पुकार सकते हैं, उसकी इबादत कर सकते हैं. So we should take this as an advantage and a blessing for us. और हमें इस बरकत से, इस एडवांटेज से पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए. Amen. Amen. Praise the Lord. So we're gonna open our Bibles. आइए बाइबल खोलें. And today, as I said, basically my message is on youth. So please focus the young children. So आज जो बुनियादी तौर पर मेरा पैगाम है वो नौजवानों के लिए है. So आप इस कलाम में हम नौजवानों को फोकस करेंगे. Alright, so we will take our Bibles and we will open up the chapter. First Timothy chapter 4 verse 12. It's written, "Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith and in purity." आइए पहले तिमोथियुस का खत देखते हैं, चौथे बाब की 12वीं आयत पढ़ते हैं. कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन. Amen. So if here we see in the life of Timothy. आइए हम तिमोथी की जिंदगी में गौर करते हैं. And if we see in the life of Timothy, Timothy himself was young. अभी ये तिमोथियस है, ये एक नौजवान है. And do you ever experience that, for example, a young person like me or maybe younger than me comes between the people and he keeps saying stuff or he started preaching about the Bible? आप देखें जरूर से जरा कि वो बच्चे जो नौजवान हैं, मेरी उम्र के हैं या मेरी उम्र से कम हैं, वो आए लोगों के बीच में, बड़ों के बीच में आए और सामने खड़े होकर खुदा के कलाम को सुनाना शुरू करें. So do you think that the people will believe him because he himself is so young? So people will think that he is so young and he don't know what he is saying. तो बहुत दफा लोग जो है उनको बच्चा समझ के उन पर ध्यान ही देते हैं कि तो बहुत छोटा है, हम ये हमें क्या कलाम सिखाएगा. Because people think that he is not mature enough and he need to learn more about it, so they will not listen to what he is actually saying. तो उसको बच्चा समझ गए, वो कहेंगे कि इसको अभी सही बातों की समझ नहीं है, अभी मैच्योर नहीं है, तो ये कैसे हमें सिखा सकता है. Right? So like this, for example, also in our life, it happens that we are trying to learn the Bible and we are thinking to preach between the people, but people are not believing us. तो ऐसा होता है, हम जो नौजवान हैं, जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, खुदा उनके कलाम की बातें उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो कई दफा वो हम पर यकीन ही नहीं करते हैं कि ये भी कुछ हमें सिखा सकते. So what he said in this chapter, he said that set as an example. तो यहाँ पर मुकद्दस पौलुस जो है वो तिमोथियुस को ये कह रहे हैं कि एक नमूना बन. Set as an example so that in future generation people will use your name, people will use you to give an example to the other children that be like this person or be like this person. So तुम्हें एक नमूना बनना पड़ेगा ताकि आने वाले दौर में लोग तुम्हारी जिंदगी से कुछ सीखें और तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करें. जिस तरह तुमने एक अच्छी एग्जाम्पल सेट की है, इसी तरह से लोग तुमसे सीखें. और यहाँ पर उसने बताया गया है कि किन किन बातों में तूने एक नमूना बनना है. उसने कहा कि तुम अपने चाल चलन में, मोहब्बत में, ईमान में, पाकीज़गी में एक नमूना बनो. That we need to love each other as Jesus Christ loved us. जैसे यीशु मसीह ने हमारे साथ प्यार किया, हमें भी एक दूसरे से उसी तरह से प्यार करके एक नमूना पेश करना है. Set as an example as faith. We need to have a strong faith in Jesus Christ. फिर हमें बतौर एक मजबूत ईमानदार के एक ऐसा नमूना पेश करना है कि लोग हमें जाने कि ये नौजवानी में भी एक नहायत ही मजबूत ईमान वाला बच्चा है. Strong faith in Jesus Christ, then whatever people talk negative or gossip about you, you're not gonna care about it. आपके बारे में चाहे कुछ भी कोई कहता रहे, आपके बारे में मनफी बातें रखे, मनफी रवैये रखे, तो भी अगर आप ईमान में मजबूत हैं तो फिर कोई चीज आपको हिला नहीं सकेगी. Because I myself have an experience
that if I am trying to preach in between the people, then people will judge you. मेरी अपनी ये एक मिसाल है, मुझे ऐसे तजर्बे में से गुजरना पड़ा कि जब हम लोग बीच में जाके प्रीच करने की कोशिश करते हैं तो लोग जो हैं वो हमारा इम्तिहान लेते हैं, हमें जज करते हैं। And there will be so challenges in front of you that sometimes you are so tired of it that you actually want to stop. और कई दफा तो लोगों की अजीब अजीब नजरों से, उनके अजीब अजीब सवालों से लोग परेशान होकर ये सोच लेते हैं कि मैंने अब ये काम वाला काम ही नहीं करना। Believe me, I will tell you one thing that here himself it says that set an example. So don't care about what other people are thinking about you. Just focus on God because God said that wherever you go, I will be. Amen. Hallelujah. आपने एक एग्जाम्पल सेट करनी है, एक नमूना बनना है। इस बात का यकीन करें कि जब आप एक नमूना बनेंगे, आप खुदा के साथ चलेंगे, खुदा से प्यार करेंगे, दिलेरी से उसकी खिदमत करेंगे, तो जहां कहीं आप जाएंगे खुदा आपके साथ होगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, खुदा आपके साथ होगा। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। For example, if you go to a grocery store to buy a banana, मैं आप मिसाल देते हैं, अगर आप स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे केले खरीदना चाहते हैं, and you know a banana have a peel, तो आप देखते हैं कि वो जो केला है उसके ऊपर छिलका होता है, and obviously you will not open each banana and see if it is ripe or rotten. और आपको जब आप पूरा गुच्छा खरीदेंगे, दर्जन दो दर्जन खरीदेंगे, तो आपको इसकी इजाजत तो नहीं होगी या जरूरत नहीं फील होगी कि आप एक एक केले को छील छील कर चेक करें कि वो ताजा है या वो गला हुआ है। Right? So same way in our life, we are not allowed the Christ likeness, the shining of blessing is shining upon ourselves from outside. अब जानिए बड़ी जोरदार बात है कि हम अंदर से तो हम अपने आप को जानते हैं कि हम पाक हैं, लोगों को नहीं पता, लेकिन जब खुदावंद का नूर हम पर चमकता है तो लोग बाहर से हमारा जाहिर देखकर हमारे बातन का अंदाजा लगा लेते हैं कि हम कितने प्योर हैं और कितने खुदा के साथ चल रहे हैं। Because God knows your inside, but it is also important to rule your life, to run your life and be like Jesus Christ. अब खुदा हमारे बातन से तो वाकिफ है, लेकिन चाहिए कि हम इस तरह से जिंदगी गुजारे कि जो हमारा बातिन है वो हमारे चाल चलन से, हमारे उठने बैठने से, चलने फिरने से जाहिर हो कि हम यीशु के लोग हैं, उसके शागिर्द हैं। So be like a ripe banana from outside and from inside. तो आप अच्छे केले बने जो बाहर से भी ठीक हो और अंदर से गले सड़े ना हो। Be a pure person, a humble person who will set an example in love and in एक पाक शख्स बने, एक हलीम शख्स बने और एक जबरदस्त आप मिसाल बने दूसरों के लिए कि लोग आपकी तकलीद करें, आपको फॉलो करें। As this is a season of Christmas, ये क्रिसमस का मौसम है। And also, I want to say a very important thing that many people are preparing their houses, they are decorating their houses with Christmas trees and Santa Clauses. अब क्रिसमस के मौके पर लोग जो है वो अपने घरों को सजा रहे हैं, सेंटा क्लॉसेस बना रहे हैं, क्रिसमस ट्रीज लगा रहे हैं। It's a good thing. अच्छी बात है। That's a good thing. But I'll tell you one thing. Many people just focus on decoration and decorating themselves and buying clothes. अब बहुत सारे लोग सिर्फ डेकोरेशन ही करते हैं घरों की, अपने आप की कपड़े खरीदते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं, ये लोग तो करते हैं। But most importantly, it's important for us that on that day, Jesus was born in this world. That means He brought salvation for us. So, जो जरूरी चीज़ है वो ये है कि हम उस चीज़ की तरफ भी ध्यान दें जिसकी वजह से ये क्रिसमस है, वो ये था कि यीशु मसीह हमारे लिए नजात लेकर आया था, हमें नजात की तरफ भी ध्यान देना है। So, it's important for us. We know that decorating and this is part of our life, but most importantly, we have to focus on salvation. That through salvation, we are saved by Jesus Christ. बेशक ये चीजें सजाना, घरों को सजाना, अपने आप को साफ रखना, अपने माहौल को साफ करना, क्रिसमस का एक माहौल बनाना, ये एक गवाही है, अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि हमारी जिंदगी भी मसीह जैसी बने, पाकीज़ा बने, बाबरकत बने, हम नजात को जाने और उस नजात को अपनी जिंदगी में कबूल करें। Mostly the kids over here, if we ask them that what happened on 25th of December, they'll say Jesus Christ was born, and that's right. But
They most importantly focus on Santa Claus and Christmas tree, and they think that this is the only reason we are celebrating Christmas. अब बहुत सारे बच्चों मुझे पूछते हैं कि जी 25 दिसंबर को क्या हुआ था, तो कहते हैं जी यीशु पैदा हुआ था और बस यहाँ तक की पता है, आगे नहीं पता। आगे उनको ये पता है कि हमने जो है वो सजावटें देखनी है, सेंटा क्लॉज देखना है, मिठाइयाँ खानी है, तमाशे लगाने हैं, लेकिन वो जो नजात वाला मामला है, यीशु को करीब से देखने वाला या उसको जिंदगी में लेने वाला मामला है, उस तरफ नहीं आते। Many people think that they are young and when they will grow up they will know about it. But tell me one thing, you should make your faith strong when you are young. याद रखिए, कुछ लोग ये समझते हैं अभी तो मैं नौजवान हूँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा अपने दादा की तरह फिर मैं जाकर खुदा को जानने की कोशिश करूंगा, फिर मैं गिरजे जाना शुरू करूंगा। लेकिन याद रखें, ईमान जब हम बिल्डअप करते हैं तो उसको बचपन से करना चाहिए ताकि वो बुढ़ापे तक हमारे साथ जाए। और बाइबल में लिखा है कि वो लोग मुबारक हैं जो नौजवानी में अपने खुदा को याद करते हैं। ये बड़ा जरूरी है कि हम खुदावन की तरफ अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि दुनिया के झमेले ऐसे हैं कि हमें तरह तरह की मसरूफियात में हम इतने फंसे होते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है कि हम इस बात पर भी ध्यान दें कि हमारा कोई खुदा भी है जिसके साथ हमने फेलोशिप रखनी है। But believe me that we have to stay firm in faith. So हमें इस बात को जानने की जरूरत है, अपने ईमान में हमें मजबूती से कायम रहना है। We will see another verse. एक और वर्ष देखते हैं बाइबल में से। From Jeremiah chapter 29 verse 11. It's written over here, He will prosper you and give success in all your plans. Jeremiah उसके 29वें बाब की 11वीं आयत, मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदा फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदा आपको आपके तमाम मंसूबों में कामयाबी अता करेगा। So that's why I said that don't care about what other people are thinking about you. आप दूसरों के ताने मेलों का ध्यान न रखें कि लोग की कहने। Just stay firm in your faith with your God. अपने खुदा के साथ मजबूती से बंधे रहें, अपने ईमान में मजबूत रहें। For example, if you are running a race. अगर आप किसी दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। And your main focus is on that finish line. तो अगर इस दौड़ में दौड़ते हुए आपका जो पूरा ध्यान है वो उस मुकाम पर है जहाँ ये दौड़ खत्म होनी है। So obviously you will win because your main focus is only on the finish line. You are not looking on the audience or you are not looking to the other players. तो ये बात यकीनी है, जब आपका ध्यान, आपका फोकस इस बात पे लगा कि मैंने इस फिनिशिंग लाइन पे पहले पहुंचना है, तो आप यकीनन इस रेस को जीत जाएंगे। अगर आप लोगों की तरफ ध्यान देंगे तो फिर आप मुमकिन है पीछे रह जाए, लेकिन अगर आपका फोकस आपका फिनिशिंग पॉइंट है तो फिर आप उसी तरफ पूरी तवज्जो के साथ दौड़ते चले जाएंगे। And if we see another player, he is so distracted by the audience, like they're shouting, and also about the player that he's like, oh my God, he's going to finish the line, so I have to run faster than him. Or maybe he's looking back to the other players. जो आपके साथ दौड़ रहा होगा उसके लिए लोग चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे कि ये जीत रहे हैं, और आप फिर देखेंगे कि अगर कोई शख्स आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है तो आप और ज्यादा दौड़ जोर लगाएंगे ताकि आप इस दौड़ को आप जीत सके। I will tell you one thing. Do not think about the other person that he gonna win the race or something like that, because you yourself, because God have a plan for each one of you present over here. दूसरा चाहे कितना भी तेज दौड़ रहा है, इस बात से आपने घबराना नहीं है कहीं कि वो जीत ना जाए। आपने अपने खुदा के इस प्लान को जो उसने आपके लिए मंसूबा बना रखा है उस पर फोकस रखना है, और आपने इस बात पर मजबूती से कायम रहना है कि मेरा खुदा मुझे कामयाबी अता करेगा। आइए एक और आखिरी आयत हम देखते हैं। It's from 2 Timothy. दूसरा तीमोथियुस का खत खोलें। Chapter 1 verse 7. पहले बाब की 7 आयत। If we are follower of Christ, the spirit of love, power and self-discipline will come automatically. दूसरे तीमोथियुस के पहले बाब की 7वीं आयत पढ़ेंगे। तो यह लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। आमीन।
अगर हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं, उसके पैरोकार हैं, तो हमें फिर इस किस्म की शख्सियत बनना है क्योंकि खुदा ने हमें रूह जो दी है वो मोहब्बत की रूह दी है. Not of hate that you are telling other people that this person is so bad, don't believe on him, I am just so good. So नोका नोकी करने की रूह नहीं दी के वो जंगा है थे, मैं जंगा थे, वो माड़ा है, इस किस्म की आपने बात नहीं करनी. आपको खुदा ने मोहब्बत की रूह दी है. Because this is so common in this world that many people are just saying that you believe on myself and the person who is just sitting right next to me is not a good person. So ये दुनिया में एक आम बात है. हर शख्स ये कहता है कि मैं जो उस शख्स से ज़्यादा बेहतर हूँ जो मेरे साथ बैठा है, मेरी ध्यान मेरी तरफ ध्यान दें, मेरी बात सुने. आप इसकी बात ना सुने. Spirit of power. और खुदा ने हमें कुदरत की रूह दी है. We know how grateful our God is. हम जानते हैं कि हमारा खुदा कितना अजीम है. If you just have a little bit of faith, अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी ईमान हो, like a mustard seed, जैसे राई का दाना होता है, then you know that whatever you believe or maybe you are having a sickness or a headache, God will heal you and I believe. आप जानते हैं कि थोड़ा सा ईमान भी हमारे लिए मौजज़ा ला सकता है. क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो तुम्हारे लिए मौजज़े होंगे. ये बीमारियां दर्दें तकलीफ भागेंगी. And spirit of self-discipline, this is the most important. और खास तौर से एक खुदा ने हमें रूह दी है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखें. I think that in Christianity, self-discipline is most important. जो अपने आप को डिसिप्लिन रखना जो है मसीहत में एक बड़ा अहम काम है जो हम करते हैं. Because many people look Christianity that they in the churches they have a most disciplined thing and we have to maintain that discipline. और बहुत सारे लोगों को जब वो हमारे क्लीसियों पर चर्चेस पर गौर करते हैं देखते हैं कि बड़े डिसिप्लिन किस्म के लोग हैं तो वो तवक्कु रखते हैं हमसे कि ये हर मामले में बड़े डिसिप्लिन हैं. And also, I appreciate the kids who are sitting over here that you guys are really disciplined right now. जो आप लोग जो बैठे हैं आप भी बड़े बीबे हैं, बड़े तरीके से अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं, ध्यान से काम सुन रहे हैं. So here in this verse it says that the spirit of love, the spirit of power, and the spirit of self-discipline will come automatically. So यहाँ पर जो लिखा है वो लिखा है कि मोहब्बत की रूह, कुदरत की रूह और तरबियत की रूह जो है वो हमारे अंदर काम करेगी. So what first of all, the first point it's important for us to be the follower of Christ. जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि हम खुदा यीशु मसीह के पैरोकार बने, उसके शागिर्द बने. So today we need to set as an example and we need to have that Christ likeness. So we are shining from inside and be like a ripe banana. Praise God. So हमने एक अच्छा नमूना बनना है, एक अच्छा शख्स बनना है, जैसे बेहतरीन केला जो बाहर से भी अच्छा नजर आता है और अंदर से भी वो साफ सुथरा होता है, हमने उस तरह का बनना है. And be like a channel of blessing for others. और हमने दूसरों के लिए बाई से बरकत बनना है. Amen. So may God bless you all and in advance I'm wishing you a very happy Merry Christmas to you. So आपका बहुत शुक्रिया, आपने ध्यान से काम किया है मेरी तरफ से. आपको बड़े दिन की पेशगी मुबारक. Thanks God.